हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको चार्ज। चार्ज की तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई थी, उसमें से मैंने पढ़ाया था एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कंजर्वेशन, और थर्ड पढ़ाया था मैंने क्वांटाइजेशन। तो वहीं पे आपको बोला था मैंने कि क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन। इम्पॉर्टेंट ये है, जिस तरीके से आपकी सीरीज में वीडियोस पड़े हुए हैं उसी सीरीज में आप नोट्स बनाते रहिए, आपको किधर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉपर नोट्स फॉर्म में बनता जाएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन। तो पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लगने वाले हैं यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वांटाइजेशन क्या था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कि हम बोल रहे हैं कि हम चार्ज, जैसे कंजर्वेशन पढ़ा था उसने बोला था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो हम स्केल को लेते हैं, सर पे रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, और आपको बोला था फिर क्वांटाइजेशन ये बोल रहा था कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो चार्ज का ट्रांसफर एक मिनिमम नंबर के फॉर्म में होगा, दैट इज अ क्वांटम। मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि 39.2 नहीं हो सकता है, 39.3 नहीं हो सकता है, या तो 39 चार्ज ट्रांसफर होंगे या फिर 40 चार्ज ट्रांसफर होंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि चार्ज ऑन, पहला कॉन्सेप्ट है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ई। चार्ज ऑन बेटा अगर मैं टू इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 2e हो जाएगा। ऐसे ही मैं चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो वो होगा 3e। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, इसी तरीके से आप चलते रहिए, ऐसे बोलूंगा चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो जाएगा ne। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं मैं, क्यू इक्वल टू ne, ठीक है। साइन इसके साथ आ रहा था आपका प्लस माइनस का साइन आ रहा था, और प्लस और माइनस भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि प्लस मींस होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, और माइनस का मतलब रहता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी वहां पे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट मैंने यहां लिख दिया, मैं दूसरा यहां लिख देता हूं। देखिए दूसरा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग एम ई से शो करते हैं, तो 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg होता है। तो मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपके n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए जैसे करते क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपने कॉम ली, उसको रब किया, रब करने से मान लीजिए मैंने बोला कि उस कॉम के पास चार्जेस ट्रांसफर हो गए हैं, मान लीजिए 10 चार्ज ट्रांसफर हो गया है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने आपका कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आपका कितना मास ट्रांसफर होगा एम ई, दो ट्रांसफर होंगे तो आपका होगा 2me, तीन के लिए 3me होगा, और अगर 10 हो रहे हैं तो बेटा 10me होगा, अगर n ट्रांसफर्स होते हैं तो nme होगा, मतलब अगर हम सिंपल कॉम को रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के साथ साथ मास ट्रांसफर होगा, तो मास ट्रांसफर फॉर ट्रांसफर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो m, देखो me तो एक का मास है और n ट्रांसफर हो रहे हैं तो m into n कर देंगे। जैसे आपके पास मैंने बोला एक ट्रांसफर हो रहा है तो me करा, दो होंगे तो 2me, तीन होंगे तो 3me, चार होंगे तो 4me, n है तो बेटा nme या me into n कर देना, इतना मास ट्रांसफर होगा। तो जैसे हम लोग अब ये मत सोच देना कि बाल बनाते हैं, बाल बनाने में कोई दिमाग लगा रहा है मास ट्रांसफर का मतलब, अब कोई सोच रहा है कि अरे अच्छा बाल लटक जाते हैं तो सर कहना चाह रहे हैं कि वो मास बढ़, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाल लटकने के मतलब मेरे से छोटे छोटे बाल ऐसे बनाए तो उसमें बाल तो अटकेगा नहीं इतना छोटा, तो अगर वो चार्जिंग हो रही है, ब्रब कर रहे हैं, चार्जिंग हो रही है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हर चार्ज उसको एमई मास देगा, तो दो होंगे तो 2me, 10 होंगे तो 10me, और एमई की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg।
तो ये आपके दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसपे हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मैं कर देता हूं। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो डिस्कस द नेचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? देखो बेटा, आप आराम से बात सुनिए। कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको सबसे पहले गिवन क्या रहता है वो देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? एन से। वो हो जाएगा आपका 12.5 × 10⁻¹⁸। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू आपके पास एन ई था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज होता है, दो के पास 2e, 3 के पास 3e, n के पास एन ई। एन आपका है 12.5 × 10⁻¹⁸ × 1.6 × 10⁻¹⁹-19। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आप अब करना क्या, आपको 12.5 × 1.6 कर देना है। यहाँ पावर एड हो जाती है 10⁻¹⁸ माइनस 19, इतना कूलम। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 × 5 = 80 हो गया, 8 रह गया, 16 × 2 = 32, 32 में 8 ऐड करोगे 40, 40 + 0 रह गया 4, 16 × 1 = 16 और 4 कितना हो गया 20 इंटू 10⁻¹⁸ इधर कितना हो जाएगा माइनस 11 कूलम। अब यहाँ पे 1, 2 ये हो जाएगा आपका, तो 20 × 10⁻¹⁹ कूलम है। इसको आप बढ़िया करके लिख देंगे तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया। अभी मैं इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो बच्चों, उसके बाद उसने पूछा था मुझसे नेचर के लिए क्या लिख दोगे। देखो नेचर के लिए आप लोग क्या लिखने वाले हैं, नेचर के लिए बोलेंगे एज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इतने जो इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे वो चार्ज भी कैसा होगा? नेगेटिव। सो नेचर ऑफ चार्ज विल बी नेगेटिव। तो नेचर पूछने से उसका मतलब है, वो कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपने देखा कि चार्ज नेगेटिव होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहीं पे एक क्वेश्चन नंबर आपका वन हो गया, इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके आपको करवा देता हूँ। मैं आपसे बोल देता हूँ कि किसी सिस्टम के पास इतना चार्ज है, इतना नेगेटिव चार्ज है बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर आपसे क्वेश्चन बोल दूंगा कि भाई इस सिस्टम के पास, आप जैसे यहाँ पे कह रहे कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय, तो मैं बोल दूंगा कितने इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करके कर लेते हैं सॉल्व। देखिए अ सिस्टम, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, अ सिस्टम। खुद से भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा, ऐसे बनाने आने चाहिए, इंटरलिंकिंग आनी बहुत जरूरी है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 × 10⁻¹⁰ कूलम नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम। क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब क्वेश्चन तो वही है, आंसर आपको पता ही क्या आने वाला है, लेकिन
सॉल्व क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपका, जैसे पहला वाला था। अब इसको देखिए, उसने कहा इतना नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे सिस्टम के पास, तो कितने होंगे वो देखो, सॉल्यूशन निकालना है मुझे। तो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था पहले, तो आप देखिए क्या है गिवन आपका, देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग की गिवन क्या है। तो गिवन है आपका जो चार्ज है, चार्ज q इज इक्वल टू 2×10⁻¹⁰ कूलम हो गया, और फॉर्मूला क्या होता है आपका q इक्वल टू ne, n बेटा क्या हो जाएगा q बाई e हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास q की वैल्यू कितनी है 2×10⁻¹⁰ कूलम, इसकी वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अब आपको इसको पॉइंट हटा दो तो ऊपर इधर 20 हो जाएगा अपॉन 16। कैलकुलेशन आराम से कर रहा हूँ इसलिए ताकि कोई भी बच्चा अगर क्लास में बैठा उसको बात समझ में आ जाए। ये ऊपर चले जाएंगी पावर्स तो प्लस में हो जाएंगी यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 हो गया आपका, फिर 4 रह गया, 4 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया, फिर कितना हो जाएगा आपका 16×2=32, फिर 8 रह गया तो 16×5=80 × 10⁻¹⁹। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी सिस्टम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी क्वेश्चन जो हमने लिया था 12.5 उसमें लिखा हुआ था हमारे साथ 12.5 था, तो इसको अगर इधर खिसकाएंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा ये 12.5 12.5×10⁻¹⁰। आपको अगर इधर पॉइंट खिसकाना है अपने 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो × 10⁻¹⁸ कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन था कि इतने इलेक्ट्रॉन थे कितना चार्ज होगा, या फिर उल्टा पूछ दे ये चार्ज दे दे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन में हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय 75 kg ऑफ चार्ज, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सोचिए फिर मैं इसको आगे करवाता हूँ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय 75 kg ऑफ चार्ज। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब आपको दे दिया उसने मास जो आपके चार्ज है, पहले तो आप यहां दे दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पढ़ाया था 9.1×10⁻¹⁰ kg होता है, ठीक हो गया। अब आपके पास उसने दे दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय 75 kg ऑफ चार्ज, आपको दिया है मास ऑफ चार्ज, ठीक है, वो है आपका 75 kg। मतलब आपसे कहना चाह रहा है कि किसी सिस्टम में आपने 75 kg का चार्ज लिया हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1×10⁻¹⁰ kg है, आपके पास मास की, आपके पास जो चार्ज है उसका मास 75 kg दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा देखो आपका इज इक्वल टू 75 kg अपॉन 9.1×10⁻¹⁰ kg, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, 75/9.1×10⁻¹⁰। अब इसको डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 750/91×10⁻¹⁰। ये सब जो डिवाइड करेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 91 से 750 से 91 से,
सबका आंसर आ जाएगा। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Which is bigger? 1 coulomb charge or charge on 1 electron? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही बोल सकता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और आपके पास 1 कूलम, तो कौन सा चार्ज बड़ा होता है? तो क्या बोला है, विच इज बिगर, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन 1 electron। तो आपको सबको पता है, देखो चार्ज ऑन 1 electron, इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, E से डिनोट करते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा कर देगा कि एक्सप्लेन विद, या एक्सप्लेन करके अगर पीछे से क्वेश्चन कर देता है तो आपको उसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख देना कि आपको दिख रहा है तो हम इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। चार्ज ऑन 1 electron इतना हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए क्या करने वाले हैं हम लोग आगे। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे 1 कूलम के लिए निकालना है, तो हम ये कर देते हैं, देखो गिवन अगर मैं अलग से लिखता हूँ, देखो गिवन लिखा मैंने, तो मुझे क्या है Q इक्वल टू कितना दिया है, 1 कूलम। यही तो बोला उसने कि 1 कूलम का चार्ज है, यानी कि 1 कूलम। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q कितना है, 1 कूलम, ई कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/1.6 × 10⁻¹⁹। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, 10/16 × 10⁻¹⁹। इसको मैं इधर ले आ जाऊंगा तो मैं इसको 100/16 × 10⁻¹⁹ कर सकता हूँ। इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा, देखो 16 × 6 = 96 होता है, ठीक है, और फिर चला जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा, 4 हो गया 40, तो फिर 16.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि बच्चों 1 कूलम के पास हो सकता था मुझसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो 1 कूलम चार्ज बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। देखो इसको आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करिए, खाली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भी पढ़ सकते हैं कि भाई अगर मैं 1 कूलम की बात कर रहा हूँ तो 1 कूलम चार्ज क्या है। तो आप 1 कूलम को बोलेंगे कि जो चार्ज आपके पास 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स को मिलाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 मिलाते गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलाने हैं मुझे, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं मिला देता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉनों को मिलने से 1 कूलम चार्ज क्रिएट होता है। तो 1 कूलम चार्ज क्रिएट होगा हम अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को मर्ज कर देते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, यहाँ तो 1 कूलम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो चार्ज आपका ज्यादा होगा। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस विल बी ग्रेटर देन, 1 कूलम चार्ज विल बी ग्रेटर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत लंबे लंबे से क्वेश्चंस भी क्या लिखूं मैं, एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि
कोई आदमी है वो बाल बना रहा है, उसने जब या कंघी को रब किया अपने सर पे, तो 10^22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 10^22 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ और कितना मास का ट्रांसफर हुआ। अगर मास का ट्रांसफर हुआ है तो कितना होगा, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि आप कोई व्यक्ति बाल बना रहा है या उसने कॉम को रब किया, कॉम को रब करने से 10^22 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हो गए, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्वेश्चन ये है। और आपको साथ में ये भी बताना है कि मास का ट्रांसफर हुआ है या नहीं है, अगर हुआ है तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है। जरा इस क्वेश्चन को पहले आप सोचिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर मैं इसको करवाता हूं। देखिए हमने क्या कहा कि कोई आदमी है, आदमी ने बाल बनाए, आदमी के बाल से चार्ज कहां चले गए हैं, कॉम के पास चले गए। तो कॉम के पास कितने चार्ज चले गए, मैंने बोला 10^22 इलेक्ट्रॉन्स गए हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन अब दो तरीके से समझ लीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो चार्ज कितना होगा, सीधी सी बात है क्यू इक्वल टू एन ई, एन कितना है 10^22, ई कितना है 1.6 × 10^-19, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.6 × 10^3 इतना कूलम। तो आप बोल रहे कि जब वो व्यक्ति ने बाल बनाए हैं तो आदमी के सर से अगर इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इतना चार्ज उसके सर से ट्रांसफर हो गया है, कहाँ, आपका उस कंघी में, कॉम में। तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ शुरुआत से कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, और चार्ज का ट्रांसफर एक होल नंबर में, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे देख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होल नंबर निकल के आएगा, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब क्वेश्चन पूछा गया था क्या मास का ट्रांसफर हुआ है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, 9.1 × 10^2 मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Mn, इसको सॉरी Ne हो गया 9.1 × 10^-31 kg। तो अब मैं कर दूंगा देखो, मास ऑफ 10^22 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा 10^22 × Me, अगर एक का मास Me है तो 2 × 2 Me हो जाएगा, 3 × 3 Me, 10 × 10 Me, तो 10^22 × 9.1 × 10^-31, तो 9.1 × 10^-9 kg, ठीक है। तो 9.1 × 10^-9 kg मास का ट्रांसफर होगा, लेकिन वो बहुत कम ट्रांसफर होगा। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब ऐसे देखो कि हम जब कंघी से बाल बना रहे हैं तो हमारे सर से ड्राई हेयर अगर हमारे रहते हैं, वहां से चार्ज ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते कि ये चीज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप करना भी चाहें तो, मैंने ऐसे बोली दी आपको कि आपको ड्राई हेयर से आपका कंघी करते वक्त कितने चार्ज का ट्रांसफर हो गया है, आपका कितना सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा और कितना मास ट्रांसफर होगा, ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लो। इस तरीके के आपके पास एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इस पे मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर और वीडियो डालते रहेंगे, क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन बाद में लेटर ऑन डाल सकते हैं, इसके बाद में फिर कूलम्स लॉ का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय, कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय एन अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन तो आपको निकालना है चार्ज कैरीड बाय एन अल्फा पार्टिकल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं आप, इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल को समझते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अक्सर अल्फा पार्टिकल को 2He4 लिख देते हैं टीचर्स और बच्चे भी देखते हैं तो सोचते हैं कि अल्फा पार्टिकल मीन्स 2He4 है। 2He4 में जैसे आप किसी एटम की बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। पहले थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट समझिए, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस हो गया।
तो कहीं पे अगर हम लोग जेड एक्स ए लिखते हैं तो हमारा जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और जेड ही होता है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 2He4 जैसे लिखा हुआ है तो 2He4 के अंदर, 2He4 के अंदर ये 2 जो है, 2 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर भी होगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होगा। मतलब एक हीलियम एटम के पास, मैं फिर बोल रहा हूं कि हीलियम एटम की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं हीलियम एटम की बात करता हूं तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां से 4-2 अगर आप करोगे तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। चार्ज की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसको मैं अभी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, डिस्कशन में ला ही नहीं रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल की बात करी हमने, अल्फा पार्टिकल, बेटा ये हीलियम एटम लिखा है मैंने, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आराम से सुनिए और एक बार समझ में नहीं, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम नहीं होता है, वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इस हीलियम एटम अगर मैं यहां पे बना रहा हूं तो हीलियम एटम के सिर्फ न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, उसके पूरे के पूरे को नहीं बोलते, तो इसलिए हमने कहा अल्फा पार्टिकल क्या है, इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, तो हमें इसके न्यूक्लियस की बात करनी है, ठीक हो गया। सिर्फ न्यूक्लियस इसका अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है। तो और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मैंने बोला है आपको, न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, तो 2He4 के पास कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, 2 रहेंगे, तो इसके और न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल कौन है आपका, न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन होंगे। तो आपको चार्ज पूछा था, तो पहले आपने पार्टिकल देखना, तो n इक्वल टू आपने बोला 2 हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि सिर्फ हमें प्रोटॉन की बात करें, पूरे एटम की बात नहीं करें। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अल्फा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम हो गया। फिर जेड एक्स ए में अगर लिखा होता तो जेड आपका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, 2He4 के बाद 2 एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, तो n इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 हो गया, q इक्वल टू आपका फॉर्मूला n, तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल कितना आपका चार्ज करता है, तो अल्फा पार्टिकल पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए भी आता है क्योंकि कभी कभी उन्हें लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो एटम और न्यूक्लियस में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, इसलिए अभी यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर ये समझ लिया है कि इस किस तरीके से होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अभी इसमें, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अभी इसके बाद, जो सीरीज फिलहाल मैं करने वाला हूँ क्वांटाइजेशन पे, बाद में क्वेश्चन अगर कुछ और रहते हैं तो कुछ और करवा दूंगा, अगर जैसा रहता है तो। फिलहाल मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको करवाने वाला हूँ वो रहेगा हमारा कूलम्स लॉ, फिर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आपका जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, चार्ज कवर कर लिया, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, और क्वांटाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। Till then, bye.